हेलो फ्रेंड्स, सो ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी में आप सबों का स्वागत है। और ओरिफ्लेम बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देता है, जो कभी आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या आपने कभी बिजनेस किया है या नहीं किया है, और आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप कैसी बातें करती हैं। सो बगैर एनी क्वालिफिकेशन यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, बगैर एनी बिग इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। सो बगैर ज्यादा लगाए हुए आप बहुत 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 ज्यादा कमा सकती हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस बगैर पैसे के स्टार्ट नहीं होता, चाहे कोई भी बिजनेस हो। बिजनेस का मतलब है पैसा। लेकिन जेनेरिक सेलिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये कहती है कि पैसे तो यहाँ भी लगते हैं, लेकिन आपको अकेले नहीं लगाना। तो इस बिजनेस के साथ जो सबसे पहला चेक आता है, शुरुआत कैसे होती है, आज मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं कि इस बिजनेस के साथ आपकी शुरुआत कैसे होती है। सो जब आप यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपको अपना 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेना है, राइट? 100 पॉइंट आपने अपना कर लिया, क्योंकि चेक पाने के लिए मिनिमम 100 पॉइंट करना नेसेसरी होता है। हमने अपना 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया। अब ये 100 पॉइंट कैसे होगा? 100 पॉइंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने खुद की दुकान बदलनी होती है, खुद के लिए यहाँ से हमें शॉपिंग करनी होती है। अब यहाँ से हम क्या खरीदेंगे? वही हमारे फेस वॉश, फेस क्रीम, बॉडी वॉश, बॉडी क्रीम, बॉडी स्प्रे, हमारे फाउंडेशन, हमारे लिपस्टिक, हमारे बच्चों के प्रोडक्ट, हमारे सन केयर, हमारा शैम्पू। सो ये जो चीजें हम बाहर से लेते थे वो हम यहाँ से खरीदेंगे। और उसके बाद जब ये कैटलॉग हम दो चार लोगों के साथ शेयर करते हैं, किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के फ्रेंड के साथ, अपने हस्बैंड के फ्रेंड के साथ, अपने बच्चों के फ्रेंड की मदर के साथ, जब ये कैटलॉग हम शेयर करते हैं तो उनसे भी आपको कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। सो बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम अपने 100 पॉइंट कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि भाई इस बिजनेस के साथ हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आखिर किन के साथ हम बिजनेस करेंगे? ये ओरिफ्लेम शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का बिजनेस है, तो हमें लगाना कुछ नहीं है, लेकिन हमें अपना समय लगाना होता है, हमें बातें करनी होती है। किसके साथ करोगे बातें? किसके साथ इस बिजनेस को आप शेयर करोगे? तो वैसे लोग जिनके साथ हम अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, वैसे लोगों की हमें एक लिस्ट बनानी होती है। कौन है वो लोग? वो लोग होते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बचपन के फ्रेंड्स, हमारे पड़ोस के फ्रेंड्स, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ, हमारे ब्रदर के फ्रेंड की वाइफ हो सकती है, हमारे पापा के फ्रेंड की बहू हो सकती है, हमारे चाची जी की बुआ की बहू हो सकती है। सो कोई भी आदमी आपका क्लाइंट हो सकता है, राइट? तो अब हम उनके साथ क्या करेंगे? उनके साथ हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। तो क्या आप खुद जाके बिजनेस बता दोगे कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है? क्या आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसे बात नहीं करनी, बिकॉज आपको खुद भी अभी कुछ भी पता नहीं है। तो जब तक आप यहाँ से 1,000 रुपए की अर्निंग ना करने लगे, आई रिक्वेस्ट प्लीज बिजनेस ना बताएं। तो आपको क्या करना है? उन्हें इनवाइट करेंगे कहाँ पे? जो फ्रेंड है जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, कम से कम 20 से 30 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है, और उन 20 से 30 लोगों को आप इनवाइट करेंगे ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उनको बिजनेस समझ में आता है। और सपोज करो कि 20 से 30 लोगों को हमने की लिस्ट बनाई, उसमें से 20 लोगों ने हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में बात सुनी, लेकिन आते हैं 10 ही। उस 10 में से मान के चलिए कि सिर्फ हमारे साथ 2 लोग ही जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्स्ट के सबसे खराब सीन में मान के चलो कि हमारे साथ 2 लोग ही जुड़ते हैं, और ये जो 2 लोग हमारे साथ जुड़े ना, हो सकता है ये 100 पॉइंट ना करे, हो सकता है ये बोले कि चलो ठीक है, आपने मुझे बोला है, मैं ज्वाइन तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा की शॉपिंग नहीं करूंगी, जो मेरी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, मैं बस उतनी ही शॉपिंग आपके साथ करूंगी। इट्स ओके। इसने किया, सपोज करो ये सुनीता है और ये मीना है। सुनीता ने किया 50 पॉइंट का शॉपिंग, मीना ने की 70 पॉइंट की शॉपिंग, एक ने 50 पॉइंट, एक ने 70 पॉइंट, आपने 100 पॉइंट, कितना हो गया? 200
20 बिजनेस पॉइंट। पूरी टीम में कितने पॉइंट्स जनरेट हो गए? 220 बिजनेस पॉइंट। और यहां देखिए, जब आप 200 बिजनेस पॉइंट करते हैं तो आप 3% पे पहुंचते हैं और पहली इनकम आपकी स्टार्ट होती है, राइट? तो जब 200 आप जब 3% पे पहुंचते हैं तो 220 इंटू 38 इंटू 3 इसके ऊपर आपको बोनस मिलता है जो लगभग 250 रुपए के आसपास होता है। लगभग, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लगभग 200-250 रुपए के आसपास होता है। सो ये है, होती है आपकी पहली इनकम। और ये जो छोटी सी इनकम है ना, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप खुद से कैलकुलेट करना चाहें तो पूरा जो पॉइंट होता है, जो ग्रुप बीपी, बीपी इंटू बीवी, बीवी यानी कि 1 बीवी इज इक्वल टू 38 रुपीज इंटू लेबर यानी कि 3%, तो आपको तकरीबन एक छोटी सी इनकम आती है। ये छोटी सी इनकम ये शो करती है कि जब काम होता है तो पैसे आते हैं। छोटा काम, छोटी इनकम। और जब यही काम बड़ा होगा तो आपकी इनकम भी बड़ी होनी शुरू हो जाती है। सो इस तरीके से आपकी पहली इनकम आती है और यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है हर किसी की। आज जो इंडिया की नंबर वन लीडर है, एशिया की नंबर वन लीडर है, उनकी भी पहली जो इनकम थी वो थी 120 रुपए की और आज वो यहाँ से 20 लाख रुपया महीना कमा रही है। तो कभी भी इस इनकम को छोटा मत समझिएगा। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से स्टेप से होती है। सो आप भी यहाँ पे बड़े बड़े चेक्स पा सकते हैं, लेकिन शुरुआत छोटे से करनी होती है। तो ये है 3% जहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। सो आई होप ये बहुत आसान है, आपको बहुत आसान लगा होगा। सो सिंपल, 2-3 लोगों के साथ हम बातें करते हैं, 4-5 लोगों के साथ बातें करते हैं, बातें ही तो करना है। बातें कीजिए, ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए, ऑरिफ्लेम का कैटलॉग शेयर कीजिए, छोटा सा बिजनेस बनाइए। 2-3 लोगों के साथ ये बिजनेस शुरू होता है। ये 2-3 लोग भी जब धीरे धीरे आप अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं तो देखेंगे कि आपकी टीम बढ़नी शुरू हो जाती है। सो ये था 3% बिजनेस का पहला लेवल, पहली सीरीज सक्सेस प्लान की, जहां से आपकी इनकम आनी शुरू होती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट करियर विद अस।